मैं कटिंग करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। लंबाई चाहे कितनी भी हो, हिप के अनुसार ही आसन काटना चाहिए। जितना हमारा हिप होता है ना, उसके अनुसार ही हम आसन काटते हैं दोस्तों, लंबाई चाहे कितनी हो। इसकी लंबाई तो 40 इंची है, हिप है वो 41 इंची है और 18 इंची मोरी है। इन तीन नाप से हम कटिंग करेंगे। कपड़े को पहले तो 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे, किनार साइड अपनी तरफ रख लेंगे, बन साइड इस तरीके से रख लेंगे, ठीक। उससे पहले हम यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम लगा लेंगे 1.5 इंची का निशान, जो नेफा मोड़ते हैं उसके लिए, और यहाँ से हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसका हम आसन रखेंगे। तो दोस्तों इसकी हिप है वो 41 इंची है, तो 41 के अंदर से हम 15 इंची आसन रख लेंगे। इसका कितना? 15 इंची, 41 में 15 इंची रख लेंगे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से हम सीधा कर देंगे। दोस्तों आपने मैं पहले भी बताया था कि किस साइज में किस तरीके से रखते हैं, आप वो वीडियो देख लेना दोस्तों, और आपने देखी होगी। तो दोस्तों मैंने इसका 15 इंची इसका आसन रख दिया है और हिप इसकी 41 है, इसके अनुसार यहाँ पर मैंने 15 इंची का निशान लगा दिया है इस तरीके से। और ये किनार है, यहाँ से भी हम 15 इंची का ले लेंगे इस तरीके से, ठीक। और 15 इंची का हम किनार को छोड़ के और 15 इंची पर हम यहाँ ले लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक। ये हमने सीधा कर दिया है, लेकिन दोस्तों इसमें है जोड़ लगेगा दोस्तों, क्योंकि हैवी साइज है तो जोड़ लगेगा। देखना जोड़ किस तरीके से लगेगा। तो इसकी लंबाई है वो है 40 इंची है, तो हम 40 इंची पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। नीचे ये हम हमारा कपड़ा बच रहा है, लगभग 1.5 इंची हमारा कपड़ा बच रहा है दोस्तों। और यहाँ से भी हम ये 40 लंबाई है, 41.5 पर ये निशान है इस तरीके से, और यहाँ से हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, ये हमारी लंबाई हो जाएगी, ठीक। ये नीचे से हमारा मुड़ जाएगा बाकी बचा हुआ कपड़ा। तो इसके बाद में करना क्या होगा कि ये किनार है, किनार को छोड़ दिया, और इसकी मोरी 18 की है, तो 18 का आधा करेंगे 9 इंची, और आधा इंची हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे, 9.5 इंची टोटल रख लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक। ये हम 9.5 इंची रख लेंगे। और अब यहाँ पर जो क्रोच एरिया आता है वो कैसे लगाए दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रोच एरिया किस तरीके से लगाते हैं, जो यहाँ लगाते हैं वो। तो दोस्तों यदि हिप 31 से लेके और 36 तक है, तो उसमें हम 3 इंची लगाएंगे, जो ये क्रोच एरिया लगाएंगे वो 3 इंची लगाएंगे। और 37 से 40 हो, 37 से 40 हो तो हम 3.25 इंची लगाएंगे, 3.25 इंची आगे बढ़ा देंगे, ठीक। और 41 से लेके और 46 तक हो तो उसमें क्रॉस एरिया हम रखेंगे 3.5 इंची, ठीक, 3.5 इंची रखेंगे। और 47 से लेके 50 तक हो, हिप जिसकी 47 से 50 हो, तो उसको हम 4 इंची क्रॉस एरिया रखेंगे यहाँ से, ठीक। तो दोस्तों देखो इसकी हिप है वो 41 है, तो 41 में हमारा क्रॉस एरिया आएगा 3.5 इंची। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3.5 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर हमारा क्रॉस एरिया आएगा, ये हमने 3.5 पर निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद में क्या करेंगे कि ये सैफंडी लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से लेंगे और इसको यहाँ से मिला लेंगे, ये हमने मिला लिया है, ठीक। मिलाने के बाद में दोस्तों इसकी गोलाई लेनी होगी, तो यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे इसको और यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे, ठीक, इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा कम कपड़ा बच रहा है तो ये साइड में निकलेगा, वो हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से हम ये कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ये हमने कटिंग कर ली है, और यहाँ से खोल लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों साइड में जेब लगाएंगे तो यहाँ से हम 3 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ये हमने 3 इंची का निशान लगा दिया है, और इसका खुला मुंह रख लेंगे हम 6.5 इंची, आप 6 इंची भी रख सकते हैं। और यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरीके से, कट लगा लेंगे, यहाँ से भी हम कट लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक। और नीचे भी हम कट लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर हमारी नीचे मुड़ जाएगा ये। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की कि हमारा ये किस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों देखो
इसको यहाँ से हम काट लेते हैं यहाँ से इसको, ठीक। तो ये हम इतना रख देते हैं, ठीक, इतना कितना सिलाई मार्जिन रख के यहाँ से लगभग आधा इंची इस तरीके से रख के, जो हमारा दबाव में आता है सिलाई का, इतना रखेंगे। और रखने के बाद में यहाँ से तो इसको सीधा कर देंगे, ठीक, ये हमने सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद में यहाँ जो हमने क्रॉस एरिया लगाया था वो 41 से 46 के लिए 3.5 इंची लगाया था, तो यहाँ से हम 3.5 इंची का ये निशान लगा लेंगे, ठीक। ये निशान लगाने के बाद में इसको तो हम यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक। और सीधा करने के बाद में ये हमारा फ्रेंच कवर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से, और इसकी कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है, और यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। ये हमने कटिंग कर ली है, तो दोस्तों ये है, ये यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा ये इस तरीके से, ठीक। ये हमारी यहाँ पर जुड़ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो हैवी साइज होता है पजामा, उसमें कलियान लगाना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठता नहीं है, तो आप भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है तो लाइक।